तो हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। मतलब आई होप मजे में होगे, सब एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्वागत है सभी का एक फ्रेश नए ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है मतलब काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं शॉपिंग। तो आज शॉपिंग डे, मतलब जो एक राइड के पहले वाला जो डे होता है, जिसमें मतलब हर बार राइड के पहले कुछ ना कुछ खर्चा हो ही जाता है। तो आज हम चल रहे हैं शॉपिंग करने। तो शॉपिंग में आज हम लेने जा रहे हैं इंटरकॉम फॉर आवर हेलमेट। पिछले अराउंड 1.5 साल से हम राइड कर रहे हैं, तो फाइनली डिसाइडेड टू बाई ब्लू आर्मर C30 इंटरकॉम। तो वीडियो में इंटेक बने रहना, क्योंकि इसी वीडियो में हम इसको यूज करके इसका जो रियल टाइम रिव्यू है वो भी अपलोड करेंगे। क्योंकि यार देखो, मैंने जितने भी वीडियो देखे ना, ऑलमोस्ट आपने भी अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ऑलमोस्ट जो वीडियो आपको मिलेंगे पेड वाले मिलेंगे। नो ऑफेंस, मतलब वो भी ठीक है, सबका अपना अपना है। तो चलो अभी जल्दी से चलते हैं, इसको इंस्टॉल करवा लेते हैं, मिलते हैं GoPro पे। तो दोपहर का अराउंड 3 बज रहा है, बट अभी तक धूप का कोई नामो निशान नहीं है। सच में यार, अब की बार तो दिल्ली गुड़गांव में गजब की ठंड पड़ी है, गजब की। तो अभी हम चल रहे हैं करोल बाग, क्योंकि यार दिल्ली गुड़गांव में भी रेट्स पता किए मैंने, ऑनलाइन भी देखा, तो जो रेट है ना दिल्ली के कंपैरिजन में करोल बाग के, वो उतना बढ़िया रेट नहीं है। मतलब ऑनलाइन और गुड़गांव के रेट तो देखो फुल ऑन MRP ही मिल रहा है। तो अभी चल रहे हैं हम लोग करोल बाग। करोल बाग में जो मॉडल मैंने पसंद किया है, लाइक ब्लू आर्मर का C30, मतलब मैं वही ले रहा हूँ। मैंने फाइनल कर लिया, बहुत सारे रिव्यू देखे, बहुत सारी रिसर्च करी, सब कुछ, तो मैं वही ले रहा हूँ। इंटरकॉम इज सच अ थिंग कि मुझे मतलब काफ़ी टाइम से उसकी नीड लग रही थी। हालांकि अब जो कल हमारी राइड है वो उसमें तो बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि वो मतलब अच्छी काफ़ी लंबी राइड होने वाली है। तो अगर 6-7 घंटे की बात करोगे तो आपको उतना समझ रहे हो कि ज़रूरत नहीं पड़ती 6-7 घंटे की राइड में। 8 घंटे की राइड में चल जाता है आपका, एक दो बार कॉल आया या कुछ भी हुआ, वो सब चीज़ें चल जाती हैं। बट कल वाली जो राइड है वो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। एंड फ्यूचर भी और विद इन सिटी भी मुझे फील होता है यार इंटरकॉम होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो आदत है, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी जो पूरी हैबिट हो गई है ग्लव्स पहन के चलाने की, लाइक विद इन सिटी हो या आउटसाइड सिटी हो। तो अगर फ़ोन आ रहा है तो अभी हिमालयन में शो कर देता है भाई कि इनकमिंग कॉल या तो देखो पता ना चले, बट अगर शो हो गया कि इनकमिंग कॉल, फिर समझ लो पूरा ग्लव उतारो, हेलमेट उतारो, तब जाके आप बात कर सकते हो। कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट कॉल होती है वो मिस हो जाती है। एंड जो ईयरफोन होता है, ईयरफोन में देखो प्रॉब्लम क्या आती है, ईयरफोन भी यूज़ कर सकते हैं वायर्ड हो या लाइक जो एयरपॉड्स है मेरे पास, बट उसमें क्या होता है, उसमें ना आपको कानों में बहुत पेन होता है जब आप उतारोगे ना। एक तो देखो एयरपॉड मेरा खो चुका है, इसी चक्कर में हेलमेट उतारने में और बार बार पहनने में, वो जयपुर वाली राइड में खो ही गया था। बट इसको बार बार जब आप उतारोगे पहनोगे ना, तो यू विल फील द पेन। तो इस वजह से मैंने कहा यार इंटरकॉम कल की राइड में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आ गया अपना करोल बाग, भाई गजब। दिल्ली थोड़ा आने में इसीलिए कटते हैं क्योंकि भाई गुड़गांव में हर जगह आपको 15-20 किलोमीटर, आप 15-20 मिनट में पहुँच जाते हो, और दिल्ली में उसी 15-20 किलोमीटर के आपको मतलब जब डबल ट्रिपल हो जाता है वो। तो जो सोच के आए थे वही फाइनल है अपना ब्लू आर्मर। इसका एक मॉडल और आता है, वो रॉयल इनफील्ड का मोटो वेव X1, जो ब्लू आर्मर नहीं बनाया है, C40। तो ये है रॉयल इनफील्ड मोटो वेव X1। ये थोड़ा प्राइस उसका ज़्यादा है, 4,000-5,000 रुपये ऊपर है, बट ये भी ब्लू आर्मर का ही है, पावर्ड बाई ब्लू आर्मर। एंड इसमें हरमन के स्पीकर हैं, बट हमने यही फाइनल किया है। तो ऐसा कुछ बॉक्स है, ये अपना इंटरकॉम, VR स्पीकर्स, और ये अपना माइक है। तो ये हेलमेट अभी भैया से इंस्टॉल कराते हैं। ये इसमें एक्स्ट्रा पैडिंग के लिए दिया है, अगर स्पेस होता है तो। ये हो गया, ये वेलक्रो वाला माउंट है, एंड ये चार्जिंग केबल। ये देखो, अगर स्पेस ज़्यादा है तो ये वेलक्रो लग जाता है स्पीकर के ऊपर। बाकी ये लग रहा है अपना, ये रहा अपना बिल। तो C30 करोल बाग में है अराउंड 10,000 रुपीज़ का। सो
अभी चलते हैं उसका। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। देखो रेट और फीचर्स एंड एवरीथिंग तो आपको हर जगह इंटरनेट पे साइट पे सब जगह मिल जाएगा, जो मैं भी ढूंढ रहा था। हेलो अगेन, तो जो लास्ट क्लिप आपने देखी एंड अभी इसके बीच में मैंने अराउंड 1500 किलोमीटर्स ड्राइव कर चुका हूँ मैं। सो आई थॉट एक प्रोडक्ट को ना अच्छे से यूज करने के बाद उसका रिव्यू देना ज़्यादा बेटर है। सो अभी मैंने इतना इनफ ड्राइव कर लिया है एंड मैंने इसको कंटिन्यूस अपना जो ब्लू आर्मर का C30 इंटरकॉम है इसको मैंने कंटिन्यूस यूज़ किया है अपने लास्ट 1500 किलोमीटर की राइड पे। तो नाउ आई थिंक आई कैन गिव यू अ रियलिस्टिक रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस इतना बोलूँगा कि भाई दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड गैजेट। मैं सिर्फ ब्लू आर्मर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रांड का, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर गैजेट कि इंटरकॉम लगाने के पहले जो राइड का एक्सपीरियंस होता है एंड इंटरकॉम लगाने के बाद, तो वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है एंड यू विल फील इट। जितने लोग के पास इंटरकॉम लगा हुआ है वो इस बात से रिलेट करेंगे काफ़ी ज़्यादा। सो नाउ कमिंग टू स्पेसिफिकली ब्लू आर्मर C30, सो पहले अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ों से, तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे लगी इसमें दैट वॉज स्पीकर। इतनी अच्छी क्वालिटी स्पीकर की, मतलब आप जब लाइक हेलमेट पहनोगे इसको लगा के यू विल फील इट द मोमेंट। जैसे मैंने इसको पहना ना तो आई वाज नो डाउट कि आई मेड अ राइट डिसीजन। साउंड क्वालिटी इज वेरी गुड। सेकेंड, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। तो मतलब मैंने पूरे अपने लाइक 1500 किलोमीटर्स में मैंने इसको कंटिन्यूस, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि मतलब एक एक घंटे तक मैं कॉल पे रहा हूँ और मैं कंटिन्यूस बात कर रहा, मैं नाइट में ड्राइव कर रहा था तो मैंने कंटिन्यूस एक एक घंटे भी मैं कॉल पे रहा, बात करी लोगों से। एंड इनिशियली जब मैं किसी से बात कर रहा था तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इंटरकॉम लगाया हुआ है, उनको लगा था मैं कहीं गाड़ी रोक के बात कर रहा हूँ। सो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन बहुत अच्छा है इसमें, मतलब सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप ड्राइव कर रहे हो। थर्ड पॉइंट, बैटरी। मैंने इसको अराउंड 24 आवर्स कंटिन्यूस यूज़ किया, 23 to 24 आवर्स कंटिन्यूस। मैंने एक बार भी बंद नहीं किया, 100% से स्टार्ट किया था एंड मैंने इसको यूज़ प्रॉपर यूज़ किया है। मतलब उस 24 आवर्स में मैं रुका भी हूँ ना तो ये चल रहा था, मतलब अच्छी तरह से जो बोलते हैं ना उसको यूज़ करना, प्रॉपर यूज़ किया एंड बैटरी वॉज 20%। जब मैंने गाड़ी रोकी तो उसके बाद 20% स्टिल थी, तो मुझे ऐसा लगा था बीच में कि ऑन द गो में भी चार्ज करना पड़े, सो बट उसकी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो भाई बैटरी ज़ोरदार है, मतलब आपको अगर लंबा निकलना है ना, मतलब देखो 24 घंटे से ज़्यादा तो आप बाइक चलाओगे नहीं एक बार में, राइट। सो और अगर जैसे आप टू एंड फ्रो राइड भी कर रहे हो कि आप जाके यू नो एक दिन रुक के भी वापस आ रहे हो तो यू विल नॉट नीड टू चार्ज इट। बात करें अगर एज अ सोलो राइडर आपके फ़ोन से कनेक्टिविटी की, तो उसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है तो जैसे अच्छे से डिवाइस चलती है तो उसमें आना भी नहीं चाहिए, तो वो प्रॉपर अच्छे से चलेगी। तो अगर हम बात करें ग्रुप राइड की, तो ग्रुप राइड में आपको 500 से 600 मीटर तक की रेंज आपको मिल जाएगी एंड सबसे अच्छी चीज़ है दिस इज़ अ मैश इंटरकॉम, तो इसमें आप अराउंड 20 राइडर्स कनेक्ट कर सकते हो एक बार में। तो 20 राइडर, वैसे तो देखो 20 के 20 राइडर एक साथ कनेक्ट करके अगर बोलेंगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा, बट स्टिल अगर आप लाइक बड़ी ग्रुप राइड कर रहे हो तो फिर वहाँ पे अगर आप सब लोग एक साथ कनेक्टेड भी हैं, आपको एक बंदे को किसी को फॉलो करना है, तो वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। सो नाउ अब बात कर लेते हैं इसके जो एक दो मुझे कॉन्स लगे या काइंड ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आप कह लो। सो वो सबसे जो मतलब मुझे इरिटेटिंग चीज़ लगी भाई वो है इसकी बटन्स। अगर आप यू नो राइडिंग ग्लव्स पहने हुए हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको बटन को पुश करने में, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगी भाई। मतलब बटन, मतलब मेरा फ़ोन आ रहा है, कई बार ऐसा होगा मेरा फ़ोन आ रहा है एंड बटन पुश ही नहीं हो रही, आप दबा रहे हो ये वाली दब जा रही है ये वाली दब जा रही, तो उसमें मे बी ये अगर ये थोड़ी बटन और हाईलाइट कर दें, थोड़ी बड़ी कर दें तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी डिवाइस थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा, डिवाइस लाइट है बट बहुत ज़्यादा ही छोटा है, तो वो बिल्कुल भी बटन का आइडिया नहीं हो पाता है राइडिंग। ऐसे तो आप नेक फिंगर से आप कर लोगे बट जब आप राइडिंग ग्लव्स पहनते हो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, तो वो आपको ऐसे 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 समझ लो घूमते रह जाओगे आप, तब जाके आपको
इसमें वो बटन मिलेगी। सेकेंड थिंग जो मुझे एक इशू लगा वो भी मेरी ऐप का इशू हो, तो वो ये था कि भाई जब इसमें क्या है डबल टैप करने पे सीरी एक्टिवेट होता है, तो वो कई बार एक्टिवेट नहीं हो रहा था मेरे डबल टैप करने पे, तो वो एरर दिखा देता था इडू हुआ है वो। और फिर वो राइड पे आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता, इतना पेशेंस भी नहीं होता क्या वो एरर सॉल्व करूँ वहाँ पर बैठ के, तो वो चीज़ अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, तो उसके लिए मैं भी कुछ करेंगे। बाकी जो कंपनी क्लेम करती है कि अराउंड 1200 लाइक मीटर्स की मतलब जो रेंज है, तो उतनी रेंज नहीं है, 1200 मीटर्स की रेंज नहीं है। अगर वो तब है जब आप बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे पे हो एंड बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो, यानी कोई बड़े ट्रक ना हो ऐसा, वो बिल्कुल भी ना हो, तब आपकी मीजी हो जाए मतलब 1 किलोमीटर से ऊपर। अदर देन 1 किलोमीटर तक की रेंज नहीं है, उससे कम की ही रेंज है। तो ये था अपना ब्लूटूथ इंटरकॉम। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है।